सब लोग जुड़ जाइए मेरी YouTube फैमिली। हेलो एवरीवन, देखिए दोस्तों ये है रोजा पावर। मैं हूँ अपने रनिंग रूम के टॉप फ्लोर पे, ये है हमारा रनिंग रूम। हेलो, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। ये देखिए, ये है हमारा रनिंग रूम, इसकी ये है लास्ट फ्लोर, 5th फ्लोर है। इसमें फीचर के मामले में इस रनिंग रूम से बेस्ट नहीं है कोई अभी, क्योंकि देखिए आपके सोलर पैनल वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ से पानी वगैरह गर्म करके जाने वाला है नीचे, ये पाइपलाइंस वगैरह हैं इसकी, और पूरा एडवांस रनिंग रूम है ये देखिए सामने खड़ा है एक रोजा पावर डीजल के लिए, और ये खड़ा है एक इलेक्ट्रिक पावर, दोनों डेड है। हम लोगों ने आज सुबह ऑफ़ किया था यहाँ 6:30 बजे, और उसके बाद हमें बोला गया 8 घंटे आपका रेस्ट है, तो उसके 2 बजे तक हम लोग रेस्ट अप हो चुके हैं। देखिए कब गाड़ी मिलती है और कब हम घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि कल रात भी हमने पूरी रात ड्यूटी करी। उसके बाद में हम लोग आ गए थे अपने रनिंग रूम में, पूरी फुल नाइट ड्यूटी करके यार शरीर बिल्कुल थक जाता है। और लोकोपायलट में ये चीज़ें रोज़ की बात है कि आज 10 घंटे ड्यूटी हो गई, आज 12 घंटे ड्यूटी हो गई, कभी 8 घंटे कभी 6 घंटे, इनमें भी रिलीफ हो जाता है। ये जा रही पावर DFC के अंदर दोस्तों। इसमें जो मेन लाइन है ये आपकी, जिस पे एक गाड़ी स्टेबल खड़ी है, ये आपकी मेन लाइन है आपकी, एक इसके बगल वाली, और वो जो दूसरी साइड आपको दिखाई दे रही है, देखिए जो खाली लाइन दिखाई दे रही है वहाँ पे, वो है इंडियन रेलवे की, जो कि कनेक्ट होके जाती है आगे रिंगस फुलेरा पालनपुर की साइड में। तो अभी हम आए हैं न्यू अटेली। ये यहाँ की स्टेशन बिल्डिंग, जहाँ पे स्टेशन मास्टर बैठते हैं। ये देखिए पीछे का कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। मॉर्निंग के टाइम में इतना सुंदर लगता है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल गर्मी होने लग गई है, रात में ठंड लग रही है और अब गर्मी हो रही है। तो दोस्तों ये सब वेदर जो है वो मिलते रहते हैं, अप एंड डाउन चलते रहते हैं ये चीज़ें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। दोस्तों आपको बता दूं मैं, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, तो मैं आपको बता देता हूं। लास्ट ईयर लोकोपायलट के लिए अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग जोन से क्या क्या कट ऑफ गई थी, तो आप अपनी कट ऑफ को देख के फॉर्म फिल करिए, ALP और टेक्नीशियन के लिए भी और लोकोपायलट का। ठीक है, अहमदाबाद जोन से जो है जनरल की 43 गई थी, SC ST आपकी SC की गई थी 44 और ST की गई थी 32 और OBC की 31। ये जब आपका CBT 1 होगा उसके लिए क्लियर करके जाएगा। तो ये आपकी CBT 1 की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। ये है अहमदाबाद जोन से, सेम ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। आप लोग पहले ही कैडर बता देता हूँ, इसमें जो जनरल SC ST में लिंक आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और बाकी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि इसकी कट ऑफ CBT 1 की कितनी गई थी। तो अजमेर, अहमदाबाद से आपने सुन लिया, अजमेर बोर्ड की बता देता हूं जनरल के लिए। मैं इसमें जो आपको बताऊंगा हमेशा वो जनरल SC ST और OBC, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, और अगर नोट कर सकते हैं आपका जो जोन है वो उसमें आप बता दीजिएगा, और हाई का मैसेज भेज दीजिएगा कि आपने इस जोन से अप्लाई किया, तो वहाँ की मैं कट ऑफ आपको ऐसे पता लग जाएगी। अजमेर जोन से 62, 47, 59 और 59 दोनों। इलाहाबाद से 65, 49, 42 और 58। बेंगलोर से 66, 48, 41 और 57। बेंगलोर से कंप्लीट हो गया। भोपाल से 66, 50, 49 और 59। भुवनेश्वर से 65, 59, 47 और 62। ये कट ऑफ 6 जोनों की आपकी कट ऑफ हो चुकी है, जिसमें अगर आप लोगों ने फिल किया है तो आप प्लीज़ हाई लिख के भेज दीजिएगा, तो आपको अपना कंफर्म हो जाएगा। बिलासपुर के लिए 60, 46, 45, 57। चंडीगढ़ 62, 51, 51, 42। चेन्नई 71, जो कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी चेन्नई की, ठीक है। तो जनरल वाले यहाँ पे 71, 33, 37 और 69 ओबीसी के लिए। SC/ST वालों के लिए यहाँ पे काफ़ी कम गई थी कट ऑफ। सॉरी दोस्तों। और उसके बाद आ जाते थे गोरखपुर बोर्ड से। गोरखपुर बोर्ड से 52, 30, 31 और 52 ये कट ऑफ गई थी गोरखपुर बोर्ड से। गुवाहाटी से आपको मिली थी 41, 32, 28 और 40। और जम्मू से मिली थी आपको कट ऑफ 47, 47, 46, 26 ये आपको मिली थी जम्मू से। मालदा से 72, यहाँ से भी जनरल वालों के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। मालदा 72, 45, 33 और 70 ओबीसी वालों के लिए। मुंबई जोन उसके बाद में आता है 60, 49 और 39, 57। फिर ऐसे ही पटना से जो कट ऑफ गई थी लोको पायलट के लिए, वो गई थी 45, 40, 27 और 31। ऐसी इसके झारखंड रांची से गई थी 70, 44, 44 और 67। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप मेरी वीडियो से बाद में या अभी भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये कट ऑफ वहाँ पे गई थी और आप इसकी हिसाब से ही तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद का जोन आता है सिकंदराबाद, जिसमें कट ऑफ गई थी 77, 48, 38 और 64 ये गई कट ऑफ सिकंदराबाद से। सिलीगुड़ी से 54, 40, 25 और 51 ये कट ऑफ आपकी CBT फाइनल होने के बाद में लोको पायलट की आपकी निकल के आई थी, जिसके लिए आपको कल रात आपने लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने बोला था कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। चलिए दोस्तों, हम आए अपने नीचे फ्लोर पे। चलिए आपको वॉक अराउंड कराता हूँ यहाँ के रनिंग रूम का, जो कि यहाँ का रनिंग रूम अपने लिए बहुत जाना जाता है। देखिए दोस्तों ये है इसकी बैक, ये है इसका बैक साइड जिसमें 5th फ्लोर बने हुए हैं। हर रूम पे सेपरेट सेपरेट रूम्स हैं। टोटल 50 रूम कैपेसिटी है यहाँ पे और हर फ्लोर पे किचन मिल जाएगा आपको, लेकिन आपका अभी एक किचन ही है यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज के हिसाब से, तो एक ही किचन ओपन कर रखा है जिसको 4 आदमी हैंडल करते हैं। 4 आदमियों के लिए खाना पीना यहीं से बनता है, यहीं के लोकल हैं और बाकी ये है यहाँ की लाइंस। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ कॉरिडोर, यहाँ से ड्राइवर गार्ड साहब जा रहे हैं, अभी साइन ऑन करते हैं। हेलो 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 हैप्पी इंडिया, हेलो। ये देखिए दोस्तों ये है डीएफसी का ट्रैक जो कि प्राइवेटाइजेशन है पूरा। ये अडानी अंबानी की जो ट्रैक्स हैं वो इसी ट्रैक पे चलते हैं, तो इनके लिए। हेलो जय गुप्ता जी, हाँ हम रेलवे में लोको पायलट हैं। भारतीय रेलवे में आपका स्वागत है, जो कि ये है प्राइवेटाइजेशन के लिए। और ये है हमारा स्टेशन, ये यहाँ पे एक मालगाड़ी खड़ी हुई है, अभी ये है स्टेबल गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक लोग रेस्ट अप नहीं हो जाएंगे लोको पायलट और या पूरा क्रू, तो वो जब तक इस गाड़ी का चार्ज नहीं मिलेगा और ये गाड़ी नहीं जाएगी जब तक ये यहीं खड़ी है। एक गाड़ी आगे चली गई है यहाँ से, हम लोगों ने सुबह ऑफ किया था, ऑफ करने के बाद। हाँ जी हम डीएफसी में काम करते हैं। ये देखिए एक लोको यहाँ खड़ा हुआ जो मैंने आपको अभी दिखाया था ऊपर से। बता सकते हैं ग्रीन कलर का कौन सा लोको है? आप लोगों ने रेलवे देखने पसंद है या उसके बारे में नॉलेज भी रखते हैं? ये चीज़ मैं भी देखूं कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो कितना जानती है। ये देखिए भारत का मोस्ट प्रीमियम और पावरफुल इलेक्ट्रिक इंजन WG12, जिसको 60,000 वाली पावर भी बोलते हैं। अभी ये लाइन खाली है पूरी प्रॉपर, तो इसलिए इसमें चलना कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आगे पीछे आप लोगों के साथ में बात करते हुए और सुरक्षा को भी देखते हुए चलते हैं, इसलिए पता रहता है कि कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना। तो इस बात की चिंता ना करिए। लोको पायलट बन जाएंगे तो आपकी 4 आंखें हो जाती है अपने आप, 2 आगे 2 पीछे। चलिए आपको इसका वॉक अराउंड कराते हैं। अभी ये लोको है स्टेबल, ये पूरा स्टेबल कर रखा है जिसकी कीज वगैरह सब अभी लगी हुई है। शायद इस पे क्रू आ गया है या ये गाड़ी आगे जाएगी, इसलिए अभी देखते हैं। राइट जी राइट, हैप्पी इंडिया WG9HC है वो। और ये है आपका देखिए 60,000, जिसको 12,000 हॉर्स पावर है इसका, जिसमें 100 ट्रकों के बराबर अकेला खींच के ले जाता है। और देख भी सकते हैं डबल गाड़ी है पूरी, 92 गाड़ी है पूरी पूरी है। ठीक है जी धन्यवाद, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सेफ्टी पहले है बाकी तो चीजें बाद में। ये देखिए यहाँ का कॉरिडोर ओपन हुआ है, शायद ड्राइवर साहब इसका गेट लगाना भूल गए। कि या हो सकता है कि अंदर काम चल रहा हो इसमें। ये देखिए यहाँ पे, चलिए आपको इसका दिखाता हूँ और फीचर दिखाता हूँ कि कितना अच्छा ये लोको है। ये देखिए, जब से ये मिला है तब से लाइफ ही चेंज हो गई है, इसलिए कहते हैं लोको पायलट बनो। ये इसके बीपीएफपी पाइप है जो कि हमारे डीजल इंजन में ऊपर नीचे ही होते हैं, सेम पोजीशन इसमें भी है। इसकी कपलिंग है, ये नकल पिन जो गाड़ी में अटैच होती है और यहीं से गाड़ी ट्रांजेक्शन कंपनी टीएससी जिसको बोलते हैं, इसमें एडवांस है, अमेरिकन है ये पूरा। तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी कॉक जो है हमारी इंडियन जो होती है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो 90 और 180 डिग्री पे ओपन होती है। इसमें ये सैंडर है जो कि सैंड इसमें भरी होती है, ये देखिए सैंड भरी हुई है, दिखाई दे रही होगी आपको। ये सैंड है इसमें जो जब कभी गाड़ी फ्रिक्शन नहीं, तो जब ये पहिया फ्री घूमता है तो जब ये सैंड ऊपर से सेंटर बटन दबाता है यहाँ से, तो ये सैंड इसके नीचे निकलने के बाद गाड़ी का पहिया आगे चलता है और गाड़ी आगे मूव करती है। तो ये गाड़ी स्टेबल है, देखो जी कि इसमें स्टेबल कैसे करते हैं, ये ऐसे गुटके लगा के, ठीक है। हमारे डीजल इंजन में ये फ़ायदा है कि इसमें नीचे उतर के देखना पड़ता है तेल पानी, और यह है भारतीय रेलवे। चलिए ऊपर चढ़ते हैं। देख लीजिए, इस कॉकपिट में आने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये इसकी आरामदायक सीट, बस हमारे लोगों में ये डिक्लाइन हो जाती है, ये आगे पीछे हो सकती है सिर्फ, जिसको ये देखिए ये ऐसे आगे पीछे होती है। ये इसका हॉर्न, फैन, मेरे के लिए विंडो जिसमें आप जब कभी भी गाड़ी आपको पीछे देखनी होती है कि टर्न में गाड़ी घूम रही है या नहीं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सेफ्टी वाइज में बहुत अच्छा है ये, सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा है ये। शीशे अगर ना हो तो उसकी वजह से हम लोग कभी भी पीछे से देख रहे पता लग रहा है पोल वगैरह टकरा जाते हैं, काफ़ी बार ऐसा एक्सीडेंट भी हुए हैं जिसमें लोको पायलट, ये देखिए इसमें ये एसी है, और लोको पायलट आगे टकरा जाते हैं, काफ़ी बार उनके चोट वगैरह लग जाती है, तो ध्यान रखना पड़ता। यह है हमारा कॉकपिट इलेक्ट्रिक इंजन का। तो ये इसका बैकअप वाल्व है, ये इसका हॉर्न लोअर जिसको अभी बजा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अभी स्टेबल है तो फिर अच्छा नहीं लगता, और बोलते भी हैं कि ये खड़ी गाड़ी में कभी हॉर्न बजाना चाहिए, प्रेशर लीकेज होता है, ठीक है। तो ये इसके बता सकते हैं जी हाँ, ये A9 है, ये S9 है जो इसके लोको ब्रेक है, और ये ट्रेन ब्रेक लगाते टाइम यही रहता है, ट्रेन इससे लगाते हैं। जो किसी भाई ने कल मुझे पूछा था कि ट्रेन कैसे रुकती है, ये इसके स्विचेस है, मार्कर लाइट, हेडलाइट, यहाँ पे इसका एसी कंट्रोल, तो बहुत अच्छा कंट्रोलिंग है इसकी एसी की। यहाँ से अपना ब्लोअर है जो निकलते हैं, ये विंडशील्ड है, देखिए ये इसकी विंडशील्ड है। ये है WG12। तो आप लोग इस चीज़ को अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए। और लोको पायलट ये ट्रांजेक्शन कंपनी है जिसके लिए मैं आपको बता रहा था, जब गाड़ी को दोनों जोड़ देते हैं तो उसके बाद इसको ऊपर से डाल दिया जाता है। ये कुछ स्पेस है रखने का, अभी लॉक है पूरा क्योंकि इसमें चाबियाँ मिलती हैं, चाबी चलने के बाद ही ये आगे चलता है। ये देखिए बिल्कुल सुनसान हो रखा है अंदर, और गर्मी भी हो रही है दोस्तों। ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें अपनी कहीं भी आग वगैरह लग जाए तो यहाँ पे ये सब कुछ, ये देखिए जब गाड़ी चलती है तो ये डोर लॉक हो जाता है, तो इसमें पीछे नहीं जा सकते। जब गाड़ी स्टेबल होती है तो गाड़ी पीछे जा सकते हैं, जब कभी चेक करना पड़ता है या चेक करने के लिए पीछे आना पड़ता है, न्यूट्रल सेक्शन वगैरह के लिए करते हैं, जहाँ पर दो सिग्नलों, दो सब पोस्टों में मिलकर एक जोन, न्यूट्रल जोन बनना होता है, उसको न्यूट्रल सेक्शन बोलते हैं। तो वही न्यूट्रल सेक्शन जब क्लीन करते हैं तो अपना ALP जो है पीछे आके चेक करता है कॉरिडोर में कोई धुआं तो नहीं आ रही है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी जिससे हमारे लोगों को कोई नुकसान हो जाए। ये देखिए दोस्तों, और बाकी इसकी मोटर वगैरह जो कि बहुत सुंदर है। अपने जितना मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ उतना कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर लोको है, साफ़ सुथरा। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन। ये इसके एलस्ट्रोम कंपनी का बना हुआ है, ये इसके ट्रांसफार्मर है जो कि इसको पावर सप्लाई देते हैं। ये ट्रैक्शन मोटर्स वगैरह, ये मशीन ब्लोअर है जो मोटर को नीचे ठंडा करती है। ये इसमें यहाँ का न्यूमेटिक पैनल है पूरा। ये एडवांस, बहुत एडवांस न्यूमेटिक पैनल है जिसमें DVE, लोको, हैंड ब्रेक वगैरह, प्रेशर गेज, जितना BPFP की कॉक्स वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। लाइटनिंग लैंप, ये यहाँ पे पार्किंग ब्रेक वगैरह के लिए। ऐसे ही सेम आप देख लीजिए, ये यहाँ आपका लोको 1, ठीक है, सेम ये लोको 1 है। उसके बाद ये आपका लॉक ओपन करता हूँ, ये देखिए बीच में कॉरिडोर है। दोनों लोगों को जोड़ के आपको बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें दो लोगों को जोड़ के बनाया गया है लोको है, ये जो कि बहुत एडवांस फीचर है। सेम टू सेम जो फीचर इसमें आगे वाले में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से कॉरिडोर आपको दिख रहा होगा काफ़ी, वही कॉरिडोर इसके अंदर है। ये पेंटो कंट्रोल स्विच है इसके अंदर। पेंटो जो ऊपर उठा होता है, जो जिसमें OHE में लगा रहता है, वो ही कंट्रोल किया जाता है इससे। सेम इसमें न्यूमेटिक यहाँ पे आ गया पैनल, उसमें राइट हैंड साइड में था। ये चीज़ें हैं पूरी चेंज। देखिए दोस्तों, वो कॉरिडोर वहाँ तक चला गया पीछे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ गई आके। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाता इतनी ज़्यादा जल्दी, और आप लोग इतना टाइम मिलता भी नहीं है कि आपको ड्यूटी भी कर लें और आप लोगों के लिए वीडियो, तो इसलिए मैं लाइव आके आपको क्रिएट कर देता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अब आ गए हम इसके सेकंड कैब में, जो देखिए सेम टू सेम सेकंड कैब इसकी ऐसी होती है, वही सीट्स रखने के लिए स्पेस, ये गुटके जो नीचे लगे हुए थे। और जो मैं आपको बता रहा था कि ये देखिए इतना अच्छा फील लगता है यहाँ पे आके। ये इसका ट्रैक्शन मोटर है, यही होता है लोको, जिसके अंदर दोस्तों आप आगे गाड़ी चल सकते हैं। देखिए ट्रैक्शन जब लेना होगा तो इसको आगे की तरफ कर देंगे, ये न्यूट्रल पोजीशन में इसको, ये इसकी न्यूट्रल पोजीशन है, और पीछे ही करेंगे तो इसको ये ब्रेकिंग पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। ये वाइपर के लिए है आपका, इसमें पानी निकलेगा और वाइपर चलेंगे। सेम हेडलाइट, नोज़, पेंटो के लिए राइज करने के लिए यहाँ पे OHE जब कनेक्ट होकर आएगी तो इसके अंदर पता लगता है कि हाँ आपकी वोल्टेज, कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी वोल्टेज नहीं आ रही है। ये कुछ गेज वगैरह हैं इसके। वही सेम शीशा, पानी की बोतल रखी हुई है किसी, वैसे इसमें पानी की जरूरत पड़ती नहीं है इसको। ये लॉक पिन है जिसको लगाया जाता है, ये NIN के लॉक पिन है जिसको इसमें लगा के रखना पड़ता है ताकि कोई और आदमी आकर चढ़ जाए, जैसे इसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें ये छोटे छोटे 2 फायर एक्सटिंग्विशर हैं, जब कभी आग वगैरह लग जाए तो इसको यूज़ करते हैं। तो ये गर्मी निकालने के लिए शायद हो सकता है इसको खोल दिया होगा, क्योंकि गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए जब लोगों शायद चार्ज लेने से पहले इसको खोले गए होंगे। जब आएंगे तो चार्ज लेंगे, उसके बाद आपको ये गाड़ी लेके आगे जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, और वो है हमारा, पता है ना आपको, लाल पीला वाला इंजन, हमारा फेवरेट WDG4G। तो यही है वो WDG4G डीजल इंजन, क्योंकि न्यूट्रल सेक्शन के लिए देखिए जो क्लियर करने के लिए बोलते हैं ना, ये पेंडो, ये सिग्मा बोर्ड है। जब कभी सिग्नल आने वाला होता है, आगे सिग्नल होता है, तो उससे पहले ये सिग्मा बोर्ड लगा रहता है, 2 मास्ट पहले लगा रहता है, जिससे आपको पता लग जाए कि आगे हमारा सिग्नल है। जैसे कि यही यहाँ लगा 2 मास्ट पहले, 1 और 2, दूसरे मास्ट पे इसका आपको सिग्नल दिखाई दे रहा होगा सामने, ये जो कि लाल है अभी। जब ये डाउन होगा तब चला जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको हम करते हैं सेफ्टी पर्पस पे बंद, ताकि इसमें कोई और ना आके घुसे। सो आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर की यही खासियत होती है कि इसमें पानी का अभी दोस्तों आप लोगों को बता दूँ एक नया अभी लोको इन्वेंट किया गया है WG9HC जिसको एडवांस करके इसमें वॉशरूम वगैरह बनाया गया है, क्योंकि अभी इसमें स्पेस है पानी के लिए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं से शॉर्ट सर्किट ना हो जाए नहीं, तो इसमें भी आराम से एक ये जो चैम्बर है यहाँ पे ऐसा एक वो बनाया गया है जिसमें वॉशरूम वगैरह लगाई है, जिसको जब गाड़ी स्टेप खड़ी होगी रुकी हुई होगी तभी यूज़ कर सकते हैं, तभी उसका गेट ओपन होगा, नहीं वो सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है, गाड़ी चलते टाइम आप वॉशरूम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी बुक होती है जिसको लोको पायलट को मेंटेन करना पड़ता है, असिस्टेंट लोको पायलट इसको मेंटेन करता है। ये इसका रिवर्सर है फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए, ये इसकी सेंटर पोजीशन है, वही सेम इधर भी थ्रॉटल हो गया रिवर्सर हो गया, यहाँ पे BL की होती है जो लगाई जाती है उसी के बाद ही चलता है। फ्रेश लाइट के लिए यहाँ पे रीसेट वगैरह करने के लिए, वाइपर के लिए यहाँ पे पानी भरने के लिए कॉक है जो कि बंद रहती है, इसका कैप मिसिंग है, ठीक है। ये होता है लोको पायलट का एमरजेंसी ब्रेक, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एमरजेंसी ब्रेक ये होता है अपना। और ये इसमें अगर कोई धुआं वगैरह जैसे लोको पायलट अगर बीड़ी वगैरह पीता है या कुछ भी सिगरेट वगैरह यूज़ करता है तो इसमें स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, तो इसमें बहुत सेफली वर्क करना पड़ता है अपना। और आगे जो नेक्स्ट लोको आए हैं उसमें कैमरे भी लगे हुए हैं, और ये इसमें अपना रीडिंग लैंप है जो कि ऑन किया जाता है रीडिंग लाइट से, वहाँ पे ये स्पॉट लाइट लिखी हुई है, यही इसके रीडिंग लैंप है। BL की वगैरह अंदर रखी हुई इसमें। चलिए दोस्तों ये था हमारा WG12 का वॉक अराउंड, जो होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। देखिए अभी पॉइंट सेट हुआ है, यहाँ से कोई गाड़ी का पॉइंट सेट कर रहा है, वो आगे से कोई गाड़ी पुश हो रही होगी या गाड़ी आगे आ रही होगी जिसको तो आगे जाएगी, ये यहाँ पे आके रुकेगी। दोस्तों अभी ये देखिए पॉइंट सेट हो रहा है, अभी यहाँ पे इसका पॉइंट है। DFC में ये फ़ायदा है कि आपको DFC में हमारी जो नॉर्मल इंडियन रेलवे है उसके अंदर जो लूप लाइन है वो 15 की है 30 की है, तो यहाँ पे जो लूप लाइन है फर्स्ट लूप लाइन जो है आपकी 25 की, ठीक है। ये क्रॉस बार बार इसको कोई गाड़ी पीछे से आ रही है जिसको चेक किया जा रहा है, वहाँ से मेंटेनेंस का काम चल रहा है। क्रॉस ओवर बनाते हैं, इसी को बोलते हैं क्रॉस ओवर। ठीक है दोस्तों यही है क्रॉस ओवर, जिसको एक गाड़ी एक गाड़ी पटरी चेंज कैसे करती है ये ऐसे करती है, स्टेशन मास्टर ही करवाता है दोस्तों। अंदर कोई हैंडल नहीं होता कि गाड़ी, जो मेरे से पहले भी काफ़ी क्वेश्चन किया गया कि लोको पायलट ट्रेन कैसे मोड़ते हैं, तो देखिए लोको पायलट नहीं स्टेशन मास्टर मोड़ता है, ठीक है। आगे से ध्यान रखिएगा कि जो स्टेशन मास्टर होता है वही मोड़ता है गाड़ी को, आगे पीछे करके देख रहे हैं वहाँ से पॉइंट। ये देखिए इसका पॉइंट है, गलती से भी इसमें पैर ना आ जाए नहीं तो पैर कट जाएगा आपका, इसलिए बच के चलिए लाइनों पे, सेफ रहिए। ये पॉइंट की टेस्टिंग आगे से चल रही है इसलिए ये लोग आगे पीछे करके देख रहे हैं। ये यहाँ का स्टेशन बिल्डिंग है, तो जो भी है यही है दोस्तों, बेस्ट है, अच्छा है और बहुत खूबसूरत है। चलिए मिलते हैं उधर ब्लॉग में, इसलिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और होप सो अपनी तैयारी करते रहिए, और जितना हो सकता है मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए, क्योंकि टाइम निकालना आपके ऊपर है और एक ना एक दिन आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं उधर ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।